गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे LIC के बारे में, जिसकी तरफ से हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की तरफ से 300 पोस्ट का वैकेंसी आया है, जो कि असिस्टेंट, एसोसिएट और असिस्टेंट मैनेजर मिला के आया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में इसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊँगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दो, बेल आइकन दबा दो, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। तो फ्रेंड्स, LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की तरफ से 300 वैकेंसी आया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। चलिए देखते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करी जाए तो रीजन के हिसाब से बात करते हैं। सेंट्रल जो रीजन है उसमें आपका छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश आता है, जिसमें आपका 10 असिस्टेंट का पोस्ट है, 7 एसोसिएट का पोस्ट है और पूरा टोटल ओवरऑल इंडिया का मिला के 100 असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है। ओके, ईस्ट सेंट्रल का बात करी जाए तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा में 10 असिस्टेंट का पोस्ट है और 5 एसोसिएट का। ईस्टर्न जो रीजन है उसमें आपका आसाम, सिक्किम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, इसमें आपका 14 वैकेंसी है असिस्टेंट का, 8 वैकेंसी है एसोसिएट का। नॉर्थ सेंट्रल रीजन की बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उसमें आपका 19 वैकेंसी है असिस्टेंट का, 13 वैकेंसी है एसोसिएट का। चलिए आगे देखते हैं, नॉर्दर्न रीजन की बात करी जाए तो दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, चंडीगढ़, इसमें आपका 5 वैकेंसी है असिस्टेंट की, 4 वैकेंसी है एसोसिएट की। ओके, ये जो आपको 100 दिख रहा है ये टोटल ओवरऑल इंडिया का है असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट। उसके बाद आपका साउथ सेंट्रल का जो वैकेंसी है कर्नाटका, उसमें आपका 11 असिस्टेंट, 7 एसोसिएट का वैकेंसी है। साउथ ईस्टर्न जो रीजन है उसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का 12, उसमें आपका असिस्टेंट का पोस्ट है, 7 एसोसिएट का। साउदर्न जो रीजन है केरला, पुडुचेरी और तमिलनाडु, इसमें आपका 20 असिस्टेंट का पोस्ट है और 12 एसोसिएट का। वेस्टर्न रीजन जो है गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, इसमें आपका 24 जो पोस्ट है असिस्टेंट का, 12 पोस्ट है आपका एसोसिएट का। टोटल 125 पोस्ट है असिस्टेंट का, 75 एसोसिएट का और 100 पोस्ट है आपका असिस्टेंट मैनेजर का। इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करी जाए तो आपका रजिस्ट्रेशन चालू होगा 8/8/2019, इसका लास्ट डेट जो है अप्लाई करने का 26/8/2019। आपका एग्ज़ाम होगा असिस्टेंट का 9/10/2019 या 10/10/2019, एसोसिएट का होगा 9/10/2019 या 10/10/2019, असिस्टेंट मैनेजर का होगा 9/10/2019 या 10/10/2019। ठीक है, आपका एक ही एग्ज़ाम इसका होने वाला है कंबाइन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नोट पे ध्यान दीजिएगा, आप केवल एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो असिस्टेंट हो, एसोसिएट हो या असिस्टेंट मैनेजर हो। असिस्टेंट या एसोसिएट का जो पोस्ट है उसका आपका पोस्टिंग आपके ही रीजन में होगा, जबकि असिस्टेंट मैनेजर का जो पोस्टिंग है वो आपका कहीं पे भी हो सकता है ऑल ओवर इंडिया में। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सैलरी की बात करी जाए तो असिस्टेंट की आपका 23,870 रुपये अप्रॉक्स होगी पर मंथ, एसोसिएट का आपका 35,960 रुपये पर मंथ अप्रॉक्स होगी, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर का 56,000। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर जाए तो 1/1/2019 को आपका असिस्टेंट के लिए 21 से 28 साल से ज़्यादा नहीं होना, एसोसिएट के लिए भी 21 से 28 साल से ज़्यादा नहीं होना, असिस्टेंट मैनेजर के लिए भी 21 से 28 साल से ज़्यादा नहीं होना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बात कर जाए तो 1/1/2019 को आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, असिस्टेंट के लिए मिनिमम 55%, एसोसिएट के लिए मिनिमम 60% मार्क्स और आपका CA इंटर होना चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर में भी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स और 2 साल का फुल टाइम MBA, MMS, PGDBA, PGDBM होना चाहिए, जिसमें भी मिनिमम 60% मार्क्स होना, आपको तीनों में कंप्यूटर स्किल होना चाहिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात कर जाए तो आपका 4 सेक्शन में एग्जाम होगा। इंग्लिश के 50 क्वेश्चन 50 मार्क, 35 मिनट का टाइम दिया जाएगा। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 मार्क, 35 मिनट का टाइम। जनरल अवेयरनेस का 50 क्वेश्चन 50 मार्क, 15 मिनट का टाइम। न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये आपका असिस्टेंट और एसोसिएट के लिए होगा, जिसके 50 क्वेश्चन 50 मार्क, 35 मिनट का टाइम। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये होगा असिस्टेंट मैनेजर के लिए, जिसमें आपका 50 क्वेश्चन 50 मार्क रहेंगे और 35 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा सेपरेटली। ओके, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है टोटल 200 है,
मैक्सिमम मार्क्स भी 200 है और आपको 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग रखी गई है 1/4। ओके चलिए आगे देखते हैं। फिर आपका इंटरव्यू होगा और देन आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। अप्लाई करने के लिए सिंपल सा आपको LIC housing.com पे जाना है, यहाँ से इसको आप अप्लाई कर सकते हो। ओके आई होप आपको समझ में आया होगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात करी जाए तो एप्लीकेशन फ़ी असिस्टेंट, एसोसिएट और असिस्टेंट मैनेजर के लिए तीनों के लिए 500-500 रुपये रखी गई है और ये सभी कैटेगरी के लिए है। ओके आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कुछ कमेंट होगा तो कर देना फ्रेंड। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, गुड बाय।